स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर 10 मेजरिंग टाइम उसमें का प्रॉब्लम सेट 45 सॉल्व करके दिखाऊंगी। लास्ट वीडियो में देखिए मैंने 45 का क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाया था, तो आज मैं क्वेश्चन 5 से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सखाराम वॉज प्लॉगिंग द फील्ड फ्रॉम 8 इन द मॉर्निंग एट 12:30 इन द आफ्टरनून ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड फॉर होम। He reached home at 1:30. How long was he poaching the field? How long did it take him to reach home from the field? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सखाराम एक आदमी है, इंसान ही वो है ना, सुबह में यानी इन द मॉर्निंग में वो 8 बजे सुबह में खेत में आता है और खेत में 8 बजे से लेके मतलब 12:30 यानी दोपहर के 12:30 तक वो खेत में प्लॉगिंग करता है। इसका मतलब वो हल चलाता है खेत में और उसके बाद देखिए उसके बाद वो ये 12:30 को काम करके 1:30 को 12:30 को जब वो निकलता है तो घर पे 1:30 को पहुंचता है। तो हमें देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, हाउ लॉन्ग वॉज ही पोचिंग द फील्ड यानी वो कितने देर तक खेत में हल चलाता है वो हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू रीच होम फ्रॉम द फील्ड यानी उसको घर से उसको खेत से घर जाने के लिए कितने समय लगता है वो हमें निकालना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 12:30 में से 8 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कितने देर तक खेत में हल चलाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ये है हमारा हर्स का और ये है मिनट का। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 12 hours और देखिए 12 hours और 12 hours जो है ना 12 hours and 34 minutes ये 12 hours क्लॉक में भी 12 hours रहेगा और 24 hours क्लॉक में भी 12 hours रहेगा, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। और कितना है 30 minutes, ये हो गया। और देखिए सुबह में कितने बजे 8 इन द मॉर्निंग, तो ये देखिए 0 0। अब हमें इसकी क्या करने पड़ेगी, इसकी हमें करने पड़ेगी माइनस, तो माइनस करेंगे। चलिए तो माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3 और 12 माइनस 8 यानी 4। तो देखिए वो टोटल जो है ना 8 बजे से लेके दोपहर के सुबह के 8 से दोपहर के 12 बजे तक यानी 4 घंटे और 30 मिनट तक वो खेत में हल चलाता है। तो हम इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सखाराम प्लॉट द फील्ड फॉर 4 hours 30 minutes। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन का आंसर था कि वो खेत में कितने देर तक हल चलाएगा प्लॉचिंग यानी वो लिख लिया हमने, तो उसने बराबर 4 घंटे और 30 मिनट तक खेत में हल चलाया। उसके बाद क्या है, वो घर कितने बजे पहुंचा वो हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू देखिए अब हम क्या करेंगे, 12:30 को खेत में मतलब 12:30 को वो हल चला के हुआ उसका, वो 12:30 को खेत में से निकला और 1:30 को यानी वो 1:30 पे घर पे पहुंचा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 12:30 वैसा ही रहेगा और 1:30 यानी कितना 24 hours कन्वर्ट, 24 hours क्लॉक जो होता है उसमें हम 1:30 को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आंसर लिखना शुरू करते। तो आंसर लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द आवर्स क्लॉक देखिए इसका मतलब हम 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से उसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 12:30 इन द आफ्टरनून, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 12 आवर्स क्लॉक में भी 12 बजते हैं एंड 24 आवर्स क्लॉक में भी 12 बजते हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और इसमें चेंज होगा यानी 1:30 जो है इन द आफ्टरनून। तो इसका देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 12 मतलब 12 और 1 मतलब क्या
13 बजेंगे, तो 13:30 देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कभी भी 12 में से 13 नहीं घटा सकते, तो अब हम क्या करेंगे 13 में से 12 माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे होगा आवर्स का कॉलम और यहाँ पे होगा मिनट का कॉलम। इस तरह से आप एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, इस तरह से करेंगे। अब देखिए 30 आवर्स यानी वो 1:30 पे घर पहुँचा और निकला कितने बजे, 12:30 पे, और इसकी हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, 0 - 0 0, 3 - 3 0 और 3 - 2 1 और 1 - 1 यानी 0। तो देखिए उसे टोटल घर पहुँच खेत से घर पहुँचने में टोटल उसे 1 घंटा लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सखाराम टुक 1 आवर्स टू रीच होम फ्रॉम द फील्ड, यानी सखाराम को खेत से बराबर घर जाने के लिए पूरा 1 घंटा लगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रामभाऊ स्टार्टेड द वॉटर पंप एट 10:30 एट नाइट एंड पुट इट ऑफ द सेम नाइट एट ए 11:45। हाउ लॉन्ग वॉज द वॉटर पंप ऑन, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रामभाऊ जो है वो मतलब रात को एट नाइट मतलब रात को वो 10:30 को वाटर पंप चालू करता है और सेम नाइट यानी उसी रात को अ क्वार्टर टू ट्वेल्व यानी 12:45 वो वाटर पंप बंद कर देता है। तो पूछ रहे कि वाटर पंप कितने घंटे तक चालू रहता है, तो हमें बताना पड़ेगा। तो आंसर लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 12 आवर्स क्लॉक के जो ये टाइमिंग है इसको हम 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 10:30 at night यानी क्या, 10:30 at night 10:30 at night मतलब क्या, 10:30। इसका मतलब क्या, 24 आवर्स क्लॉक में क्या होगा, 24 आवर्स क्लॉक में होगा, अब देखिए 1 यानी 13, 2 यानी 14, 3 यानी 15, 4 यानी 16, 5 यानी 17, 6 यानी 18, 7 यानी 19, 8 यानी 20 और 9 यानी 21 और 10 यानी 22 यानी 22:30। अब देखिए ये हो गया और उसके बाद क्या होगा, अ क्वार्टर टू ट्वेल्व एट नाइट यानी सेम नाइट को उसने वाटर पंप बंद किया यानी कितना, एट अ क्वार्टर ट्वेल्व यानी 11:45। तो देखिए इसका मतलब 24 आवर्स क्लॉक में कितना होगा, 22 मतलब कि अभी 10:22 हो रहा तो 11 का कितना होगा, 23 यानी 23:45 यानी 23:45 पे उसने वो वाटर पंप बंद किया। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, कभी भी देखिए अगर आप इतने बजे चालू करते हो इतने बजे बंद किया, इसका मतलब क्या करेंगे, हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह का एक हम लिखेंगे आवर्स का कॉलम और एक मिनट का कॉलम ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, 23:45 में से 22:30 माइनस करेंगे। तो देखिए ये 23 आवर्स का कॉलम है और मिनट का कॉलम क्या है, 45, और उसमें से अब हम क्या करेंगे, 10:30 माइनस करेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 - 0 यानी 5, 4 - 3 यानी 1 और 23 - 22 यानी 1। तो देखिए वो जो वाटर पंप था वो टोटल कितने घंटे
1 hour and 50 minutes तक वो वाटर पंप चालू किया, चालू रखा रामभव ने, तो क्या लिखेंगे? रामभव कीप्ड द पंप ऑन फॉर वन आवर्स एंड कितना 50 मिनट्स। तो देखिए आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। गीता थॉट इन द क्लासरूम फॉर 2 hours and 25 minutes इन द मॉर्निंग एंड 1 hour and 45 minutes इन द आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग वॉज द टीचिंग इन ऑल। देखिए गीता ने क्लासरूम में 2 hours and 25 minutes सिखाए इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, और दोपहर में उसने 1 hour and 45 minutes उसने सिखाया। तो वो पूछ रहे कि कितने उसने टोटल कितने घंटे तक उसने टॉट किया, यानी देखिए उसने कितने घंटे तक टोटल टीचिंग की। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए कितने घंटे टीचिंग की, यानी यहाँ पे हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हेयर वी हैव टू ऐड क्या ऐड करेंगे, 2 hours and 45 minutes एंड 1 hour and 25 minutes। नहीं यहाँ पे आएगा 45 मिनट और यहाँ पे आएगा 25 मिनट। 2 hours and 25 minutes में 1 hour and 45 ऐड करेंगे, तो इस तरह से एक कॉलम ड्रॉ करना है, और यहाँ पे एक आवर्स का कॉलम और यहाँ पे एक मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, जो आवर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखेंगे और जो मिनट का कॉलम है उसमें मिनट लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2 hours and 25 minutes यानी मिनट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1 hour and 45 minutes यानी ये यहाँ लिखेंगे, इसकी करनी हमें एडिशन। अब देखिए 5 + 5 यानी 10 का 0 1 इसको गया, यानी 4 6 and 7 यानी 25 + 45 यानी 70, 2 + 1 यानी 3। तो देखिए जो गीता है उसने टोटल 3 hours and 70 minutes टीचिंग की, बट यहाँ पे देखिए आप सभी को मालूम होगा 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 hours, ये सबको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 60 मिनट माइनस करेंगे यानी 1 hours माइनस करेंगे और यहाँ पे 1 hours ऐड करेंगे, यानी यहाँ का 1 hours यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 70 माइनस 60 ये देखिए, और यहाँ पे 70 माइनस 60 यानी क्या 10 बचेगा, और यहाँ का जो 1 hours है यहाँ पे हम ऐड करेंगे यानी 3 + 1 यानी 4। तो ये देखिए गीता ने जो टोटल सुबह में जो 2 से 2 hours 25 minutes सिखाया, उसके बाद दोपहर में 1 hour and 45 minutes सिखाया, तो उसने टोटल जो टीचिंग की ना वो कितना की, तो क्या लिखेंगे, आवर फाइनल आंसर इज गीता टॉट फॉर 4 hours and 10 minutes। तो गीता ने टोटल क्लासरूम में 4 hours and 10 minutes तक सिखाया यानी टीचिंग की। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ ए बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस फ्रॉम 10 in the morning to 4:30 in the evening हाउ लॉन्ग इज इट ओपन। देखिए एक बैंक है जो सुबह में 10 बजे खुलती है और आफ्टरनून इवनिंग यानी शाम को 4:30 को 4:30 पे वो बंद हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बैंक कितने घंटे तक चालू रहती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 4:30 में से 10:10 नहीं गला सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये 12 hours क्लॉक में, तो इसे हम 24 hours क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू 24 hours क्लॉक, 24 hours क्लॉक, तो देखिए बिजनेस फ्रॉम 10 in the morning इसका मतलब क्या, सुबह के 10 बजे
उसके बाद देखिए 4:30 इन द इवनिंग, 4:30 देखिए 12 आवर्स क्लॉक में भी 10 बजते हैं, 24 आवर्स क्लॉक में भी 10 बजते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे 4:30 इन द इवनिंग को 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 4:30 इन द इवनिंग मतलब क्या, 11-12 बजे यानी 12 बजते, उसमें भी 12 बजते हैं, 24 में भी 12 बजते, 1 यानी 13, 2 यानी 14, 3 यानी 15, 4 यानी 16, यानी 16:30, 4:30 यानी 16 बज गए और 30 मिनट का 30 मिनट। देखिए ये हो गया, अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने घंटे टोटल वो बैंक जो कितने घंटे तक चालू रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आवर्स का कॉलम बनाएंगे और एक मिनट का कॉलम, ये देखिए ये हो गया। आप क्या करेंगे 16:30 में से 10 बजे माइनस करेंगे, ये देखिए ये रहा, अब देखिए 0-0 0, 3-0 3, और 16-10 यानी 6। तो देखिए वो जो बैंक है टोटल जो है ना कितने घंटे तक, 6 आवर्स एंड 30 मिनट तक वो जो बैंक है वो ओपन रहती है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द बैंक रिमेन्स ओपन 6 आवर्स एंड 30 मिनट। ये देखिए होगा 6 आवर्स एंड 30 मिनट तक वो बैंक जो है सुबह के 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक खुला रहता है, इसका मतलब 6 घंटे और 30 मिनट तक वो बैंक खुला रहता है। तो देखिए इसी तरह से नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, इफ ए शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM टू 10 PM हाउ लॉन्ग इज इट ओपन। देखिए एक शॉप है, अगर वो सुबह के 9:30 यानी 9:30 से लेकर रात के 10 बजे तक वो शॉप खुली रहती है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि वो शॉप टोटल कितने घंटे तक खुली रहती है। यानी अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम 10:30 10 बजे जो है ना उसमें से 9:30 माइनस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक, यानी तो देखिए 9:30 AM, तो देखिए 9:30 AM यानी सुबह के 9:30 यानी 12 आवर्स क्लॉक में भी 9:30 बजेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में भी 9:30 बजेंगे। 10 PM यानी क्या, 10 PM यानी 24 आवर्स क्लॉक में कितने बजेंगे, अगर 1 यानी 13, 2 यानी 14, 3 यानी 15, 4 यानी 16, 5 यानी 17, 6 यानी 18 और 6 यानी 18, 7 यानी 19, 8 यानी 20 और 9 यानी 21 और 10 यानी 22 यानी 22 बजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, एक आवर्स का कॉलम और एक मिनट का कॉलम तैयार किया है मैंने। अब हम उसमें क्या करेंगे, जो आवर्स का कॉलम है उसमें आवर्स लिखेंगे और जो मिनट का कॉलम है उसमें मिनट लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22 आवर्स, यानी यहाँ पे मिनट कुछ नहीं, यानी 00 आएगा और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 30 मिनट है। तो देखिए ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, देखिए 0 में से 30 माइनस नहीं कर सकते, तो आप सभी को पता होगा कि 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर्स, ये आप सभी को पता है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर अपने पास कम रहा तो हम क्या करते, बाजू में से मांग के लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू वाले के यहाँ जाएंगे और बाजू वाले से एक मांग के लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मांगना यानी 1 आवर्स मांगना, और 1 आवर्स यानी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट का होता है 1 आवर्स। तो इसने अगर इसको 1 आवर्स दिया यानी 60 मिनट दिया, तो इसके पास 1 आवर्स कम हो जाएगा, यानी इसके पास 21 आवर्स बचेंगे। तो ये होगा आपका कैंसिल। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 एंड 21 माइनस 9 यानी कितने बजे, 21 माइनस 9 यानी 12। तो देखिए वो जो शॉप है वो मतलब अगर सुबह में 9:30 खुलती है और रात को 10 PM यानी अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स क्लॉक में 22 बजे बंद होती है, इसका मतलब द शॉप
फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द शॉप इज ओपन फॉर 12 hours and 30 minutes. देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट. तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इफ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग फ्रॉम कोल्हापुर एट 15:30 अराइव एट गोंडिया द नेक्स्ट डे एट 20:15 हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंडिया. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? अगर महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापुर के लिए निकलती है 15:30 में अराइव एट गोंडिया द नेक्स्ट डे एट 20:15 यानी अगर कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापुर के लिए 15:30 में निकलती है और गोंडिया को वो नेक्स्ट डे 20:15 पे पहुंचती है तो हाउ लॉन्ग द जर्नी, मतलब जो ये जर्नी है यानी ये सफ़र है ये कोल्हापुर से गोंडिया तक का, वो कितने समय में कोल्हापुर से गोंडिया पहुंचेगी, ये आपको पूछा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड द टाइम. फ्रॉम 5:30 टू, देखिए अगर वो एक दिन मतलब आज अगर वो 15:30 पे निकलती है तो आज 15:30 यानी ये टाइम आपको जो दिया गया है ये आपको 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से टाइम दिया गया है. तो अब हम क्या करेंगे, 15:30 यानी दोपहर के 3:30 पे निकली वो, तो अब हम 24 आवर्स क्लॉक में 24 बजे यानी 12 बजेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में से 15:30 माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आज का दिन में कितना घंटा हुआ, फिर नेक्स्ट दिन का अब हम निकालेंगे. पहले हम आज के दिन कितने घंटे तक हो सफ़र करती है वो पहले निकालेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में से 15:30 माइनस करेंगे. तो देखिए यहाँ पे ये आवर्स का कॉलम है और ये मिनट का कॉलम है. तो अब हम क्या करेंगे, 24 आवर्स और 0 मिनट, इसमें क्या है 15 hours and 30 minutes. तो इसकी क्या करनी है, हमें सब्सट्रैक्शन करनी है. तो ये देखिए, अब देखिए 24 आवर्स है और ये 0 है और 0 में से 30 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, बाजू में से 1 मांगेंगे यानी 1 hours मांगेंगे. तो 1 hours कितने का होता है, 60 minutes. 60 minutes इज इक्वल्स टू 1 hours. ये आप सभी को पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो देखिए अगर हमने इसे 1 कैरी मांगे यानी 1 hours मांगे, 1 hours यानी क्या 60 मिनट मांगे, तो इसने अगर इसको 1 hours दिया तो इसके पास 1 hours कम हो जाएगा यानी इसके पास 23 hours हो गया. तो अब देखिए ये हो जाएगा कैंसल, 60 minus 30 यानी 30 और 23 minus 15 यानी 8. तो देखिए आज मतलब अगर वो 15:30 पे निकलती है तो आज ही रात को 24 बजे यानी रात के 12 बजे तक कितने टाइम हुआ, 15 से लेके 24 तक 8:30 हो गई यानी 8 घंटा और 30 मिनट हो गया. यानी क्या लिखेंगे, देखिए हेंस द प्रीवियस डे मतलब अभी जो चालू है उसका डे, द जर्नी कितने का, जर्नी प्रीवियस डे जर्नी टुक 8 hours and 30 minutes यानी प्रीवियस डे यानी जो अभी चल रहा है उसमें उसने 8 घंटा और 30 मिनट तक वो ट्रेन चली. उसके बाद भी देखिए नेक्स्ट डे जो है ना वो 20:50 पे वहाँ पहुँची, कहाँ, गोंडिया में, यानी ये पहले दिन का था. तो अब दूसरे दिन यानी 1 बज जाएंगे, रात के 12 बज गए अभी ख़त्म हो गए यानी 15:30 से लेके 24 आवर्स तक उसने 8 घंटा 30 मिनट सफ़र किया यानी एक दिन ख़त्म हो गया. नेक्स्ट दिन चालू हुआ यानी 1 बजे से लेके 20:15 यानी 20 घंटा 15 मिनट वो सफ़र करी. तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन द
नेक्स्ट डे, अभी देखिए अगले दिन, अगले दिन क्या करती वो महाराष्ट्र एक्सप्रेस अराइव। अब हम क्या लिखेंगे, महा महाराष्ट्र एक्सप्रेस, महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग नहीं अराइव्ड एट गोंडिया। एट 20:15 तो देखिए अब जो है, अब हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र को मतलब महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो है ना अराइव टू गोंडिया कितने बजे पहुंची, 20:15 में। यानी अब हम क्या करेंगे, टोटल एडिशन, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे। देखिए एडिशन किस चीज़ की करेंगे हम, 8:30 में एडिशन करेंगे 20:15। तो देखिए यहाँ पे एक आवर्स का कॉलम बनाया है मैंने और एक मिनट का कॉलम। यानी अब हम क्या करेंगे, 20:15 पे 15 और 8:30 इन दोनों की एडिशन करेंगे। तो देखिए 15 और 30 यानी कितना होगा, 5 + 0 5 और 1 + 3 यानी 4 और इनकी करनी है हमें एडिशन 20 + 8 यानी 28। तो देखिए जो दो जर्नी थी वो कब ख़त्म हुई, बराबर उसको 28:45 लगे उसको कोल्हापुर से गोंडिया पहुंचने के लिए। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोल्हापुर, फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंडिया, कोल्हापुर टू गोंडिया टेक 28 hours एंड 45 minutes। देखिए इसका मतलब है अगर महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकली 15:30 में तो नेक्स्ट डे जो पहुंची वो 20:15 पे, यानी वो 24 hours क्लॉक में उन्होंने टाइम दिया था। तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करें क्या, 24 hours में से 15:30 माइनस करें तो हमें क्या नहीं मिला, 8:30 वो एक पहले दिन थी। फिर दूसरे दिन अगर वो 20:15 पे पहुंची तो अब हम क्या करेंगे, ये 20:15 है ऐसे ही रहेगा, उसमें 1:30 ऐड करें यानी कितना हो गया, 28:45 ये हो गया। तो अब हम क्या करें जो है ना, वो टोटल जो ट्रेन थी, ट्रेन की जर्नी वो कोल्हापुर से गोंडिया कितने बजे कितने घंटे में पहुंची, वो 28 hours यानी 28:45 में वो कोल्हापुर से गोंडिया पहुंची। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 45 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।